आप सबको प्रणाम, जय सियाराम। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए आज हम प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा हल करते हैं, जिसका पहला भाग है, देखिए पहले सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो औचित्य मैं इधर साइड में दे रहा हूँ। देखिए पहला प्रश्न है अपने पास, 210 30 degree upon 1 plus 10 square 30 degree। अब देखिए आपको इसमें टेबल से मान रखना पड़ेगा, तो ये दो तो है ही सही। अब यहाँ 10 30 का मान यदि आप टेबल से देखोगे तो 10 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 plus 10 30 का मान फिर रखना है अपने को 1/√3, लेकिन यहाँ पर घात 2 है तो घात 2 चढ़ जाएगी। अब देखिए इसको अपन सोल्व यदि करेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा 2 × 2/√3 बटे 1 plus, यह देखिए 1/, यहाँ घात 2 से अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, 3। अब इसका अपन लघुत्तम लेंगे, 2/√3 बटे लघुत्तम आएगा इसका 3 3 plus 1, तो ये हो जाएगा 2/√3 और बटे ये हो जाएगा 4/3। अब इसका उलट गुणित अपन कर देंगे तो 2/3 × 3/4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 × 1 = 2 2 × 4, तो ये आ गया 1/2। अब अपने पास यहाँ 1/2 तो है नहीं, मतलब अपने को मान देखना है कि ये 1/2 इनमें से किसका मान होता है। तो देखिए साइन 60 का मान तो होता है √3/2, कोस 60 का मान होता है 1/2, मतलब इसमें सही क्या है आपका, cos 60 degree, तो cos 60 degree = 1/2। इसी प्रकार से आप दूसरा भाग यदि देखेंगे तो दूसरा भाग मैं यहाँ हल कर देता हूँ। देखिए इसमें दे रखा है अपने को 1 − 10 square 45 degree upon 1 plus 10 square 45 degree, ये दूसरा भाग है ना, ये औचित्य दे रहे हैं अपन इसका। वैसे तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएगा, आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 1 − 10 45 का मान 1 होता है, पावर 2 है, 1 plus, यहाँ पर 10 45 का मान 1 power 2, देखिए 1 − 1 upon 1 plus 1, तो ये हो गया 0/2 और आपको पता है क्या आ जाएगा, 0। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। अब बाकी अपन इसमें बचते हैं तीसरा और चौथा, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। देखिए आप तीसरा भाग देखिए, तीसरा भाग दे रखा है sin 2a = 2 sin a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, a बराबर मतलब ये जो कोण जो है, ये क्या है यहाँ पर कोण, तो अपन कोण क्या रखें यहाँ पर, तो ये दोनों क्या आ जाए बराबर। तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं, अपने पास चार मान दे रखे हैं ना, तो पहले अपन ये रख के देखते हैं, फिर ये रखेंगे, इनमें से एक ना एक तो सत्य होगा ही होगा। तो अपन पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए आप sin 2a के स्थान पर क्या रख रहा हूँ मैं, 0 degree, पहले कोण बराबर 2 sin, साइन ए का मान साइन ए के स्थान पर क्या रख देंगे अपन, 0 degree, ये अपन ने कोण रख दिया, इसको बटे गुणे में लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लिख दिया, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए साइन टू का यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये 2 sin 0 degree। अब साइन 0 का मान आपको पता है क्या होता है, 0, और यहाँ पे 2 sin 0 का मान ये भी 0, तो ये 0 = 0 आ जाएगा, मतलब इसमें पहला ही सही है। यदि अपन 30 रखेंगे तो आप 30 रख कर भी देख सकते हैं, यदि 30 रखेंगे अपन यहाँ तो sin 30 का मान होता है 1/2 और इधर होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कैंसिल नहीं होगा, इसलिए बाकी सब बराबर नहीं आएंगे, ये बराबर आ जाएगा। अब लास्ट चौथा भाग देखते हैं अपन, 210 30 degree upon 1 minus 10 square 30 degree। देखिए 10 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 minus 1/√3,
की घात 2। अब देखिए इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ मैं, 2/√3 बटे में 1 - 1/3 यहाँ हो जाएगा 3, क्योंकि ये हट जाएगा, तो ये अपने पास बचेगा 2/√3 बटे में है, लघुत्तम ले लेंगे तो आ जाएगा लघुत्तम 3, 3 - 1 तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे 2/3, उलट गुणित करेंगे तो 2/√3 × 3/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3/√3। अब यहाँ पर आप याद रखना कि √3 है और ऊपर केवल 3 है, तो 3 को अपन लिख सकते हैं √3 × √3 और बटे में √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा √3। और √3 इनमें से किसका मान है ये देखना है अपने को, तो √3 जो है वो 10 60 का मान होता है, ये आप टेबल से देख सकते हैं। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।